देखिए, आज मैं आपको नाभि को चेक करने का तरीका बताऊंगा, फिर नाभि को सेट कैसे किया जाता है और नाभि डिगने के क्या क्या कारण होते हैं और इससे क्या क्या हमको परेशानियां आ सकती है, वो मैं सब आपको आचार्य संदीप आज आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमने इस तरह का एक सिंपल दिया लेना है, ये सभी के घरों में आराम से मिल जाता है। इसमें हमने कॉटन का एक बत्ती लगा लिया है और इस दिए को हमने नाभि के ऊपर रख देना है। नाभि के ऊपर हमने इस तरह से रख दिया और इसके अंदर फिर आग जलानी है। ये देखिए, नाभि के हमने आकार का जैसे इस तरह से ले लेना है और सावधानी के साथ इस क्रिया को थोड़ा करना होता है। तो जिसकी भी पुराने से पुरानी नाभि दंड डिगी हुई है, जिसको भी ये लगता है कि मेरे को नाभि दंड की समस्या रहती है, तो बिल्कुल ही हमारा आयुर्वेद का बहुत ही पुरातन यह टेक्निक है, पुरातन जो है तरीके से आज मैं आपको ठीक करके दिखाऊंगा। देखिए, आप आज लाइव देखोगे कि किस तरह से नाभि को सेट किया जा सकता है। चेक करने का तरीका देखिए, फिर हमारी नाभि डिगी क्यों हुई है वो हम इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से देखते हैं। ये देखिए, दो तरह की लाइनिंग है, यह इस तरह से हमने ऐसे मिला देना है। सबके हाथों में ये लाइनिंग होती है, इस तरह से मिला देंगे। अगर ये ऐसे मिली हुई है तो समझ लो ठीक है, अगर इस तरह से ऊपर नीचे आई हुई है तो ये जो है आपकी नाभि डिगी हुई है। अब ये जो लेडीज हमारे पास आए हुए हैं, इनको काफी लंबे टाइम से नाभि धड़ने की समस्या चली हुई है, तो हम आज बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैं अपने संस्थान में जो है इसको सेट करके दिखाऊंगा। और इनको पेट की जो है काफी समस्याएं रहती हैं नाभि धड़ की वजह से, और दो तरीके बिल्कुल सेट करने के आपको बताऊंगा। ये देखिए, हमने जो है दिए पे अब ये लोटा इस तरह से रख देना है। ये देखिए, अब इससे वैक्यूम बनना अंदर शुरू हो चुका है और यह वैक्यूम जो है खिंचाव करेगा और नाभि को अपनी जगह पे सेट कर देगा। इसके पश्चात एक वो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके साथ साथ जो पॉइंट को आप घर पे दबा सकते हो। ये देखिए, ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हमने क्या करना है, ऐसे ये नाभि दंड का, ये टकने के और इसके बीच का जो एरिया है, ये इसमें नाभि का पॉइंट होता है। ये देखिए, पेन हो रहा है ना जी यहाँ पे, थोड़ा ये दबाने से पेन भी होता है। अगर किसी को पेन होता है तो समझ लो पेट में कोई ना कोई गड़बड़ है, नाभि दंड डिगी हुई है या पेट में गैस कब्ज है। तो ये देखिए, इस पॉइंट को अंगूठे से आप अच्छी तरह से देख लीजिए, हमें प्रेस कैसे करना है। ये देखिए, अब इनको थोड़ा पेन हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है। अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो ये देखिए, तो हमने दोनों साइड में इस पॉइंट को अच्छी तरह से प्रेस करना है। प्रेस कितनी देर करेंगे, कम से कम 1 मिनट तक इसको हमने प्रेस करना है इस तरह से। तो इससे क्या है, आपकी जो, क्योंकि ये धड़ नाड़ी होती है, ये यहाँ तक जो है इसके एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, धड़ नाड़ी होती है। अब ये देखिए, हमने यह लोटे का पूरा, धड़न डिग जाती है तो उसको जो ठीक नहीं होती वो कैसे, क्या होता है धड़न डिग रहे तो? देखिए, अगर धड़न डिगती है तो उसका हम को मैंने चेक करने का तो तरीका आपको बता ही दिया है। अब धड़न को जो है क्या दिक्कतें आती है पेशेंट को, अगर नीचे की तरफ गिरती है तो लूज मोशन लगते हैं, अगर साइड की तरफ गिरती है तो डिप्रेशन एंजाइटी पैदा होता है, अगर ऊपर की तरफ आ जाती है तो कॉन्स्टिपेशन होता है। तो ये धड़न की सबसे बड़ी पहचान है कि समझ लो भूख का कम लगना, पेट में एंजाइटी, माइंड में एंजाइटी महसूस होना, जैसे डिप्रेशन सा रहना, इस तरह के लक्षण होते हैं। समझ लो आपकी नाभि दंड जो है सेंटर में नहीं है, वो कहीं ना कहीं आसपास जो है गिरी हुई है, तो उसको सेट करने का बिल्कुल, ये देखिए, ये इस समय पूरा वैक्यूम यहाँ पे बन चुका है। और पूरा वैक्यूम बनने से क्या है, अंदर से फिर जो है वो अपनी जगह पे वैक्यूम जो है पूरे का पूरा उसको सेट कर देता है। तो यह बिल्कुल ही आसान तरीका है, बहुत ही पुरातन टाइम से इसको हमारे यहाँ पे करते आ रहे हैं। आज फिर मैंने आपको अच्छी तरह से सिखाया ताकि आप घर पे भी रह के कर सकते हो इसको। तो यह पूरी बहुत ही अच्छी विधि मैंने आपको बताई है, बस इसको देख लीजिए इस तरह से वैक्यूम को। और फिर हमने ऐसे ये वैक्यूम उठा करके, ये देखिए अपने आप ही दिया बुझ जाएगा। और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, पेट की हल्की सी जो है मसाज आपने दे देनी है और उसके पश्चात फिर हमने कोई भी 2-4 दिन ज्यादा भारी चीजें नहीं खानी है, तली फली चीजें नहीं खानी है। इस चीज की सावधानी रखेंगे तो आपका पेट बिल्कुल टनाटन ठीक हो जाएगा, आपकी नाभि दंड अपनी जगह पे सेट आ जाएगी। और साथ में जो है अगर किसी को बहुत ही ज्यादा पुराने प्रॉब्लम है तो वो हमसे भी संपर्क करना चाहें तो वो कनाल प्लस के माध्यम से कर सकते हैं।